देखना ना भूले चक्रव्यूह मेरे साथ। 6 बजते ही दिल्ली में चुनाव प्रचार थम गया, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जारी है। अब आपने बीजेपी पर 7 फरवरी को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में पहले नकदी और मुफ्त शराब बांटकर वोट खरीदने के प्रयास का आरोप लगाया है। आप नेता आशुतोष की माने तो बीजेपी नकदी शराब और मांसाहारी भोजन बांट रही है, साथ ही गरीबों के मतदाता पहचान पत्र भी जब्त कर रही है। आशुतोष ने बीजेपी पर यह भी आरोप लगाया कि मतदाताओं को परेशान करने और धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं आपके आरोपों का बीजेपी की ओर से भी पलटवार किया गया है बीजेपी के प्रवक्ता जीवीएल नरसिंह राव ने कहा कि आपने चुनाव में अपनी पार्टी के टिकट बेचे, आपके उम्मीदवार चुनाव में शराब बांट रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अपने ट्वीट पर सफाई देते हुए कहा कि उनका ट्वीट किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं था। प्रदेश में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर ट्वीट के जरिए सिर्फ अपना संकल्प लोगों के सामने रखा है, न कि किसी पर कोई आरोप लगाया है। ट्वीट में कोई ऐसी खास बात नहीं है, राजनीति में कदम कदम पर अवरोध तो होते ही है। और मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, मैंने तो केवल सरकार के 100 दिन पूरे होने पर अपना संकल्प व्यक्त किया है कि मैं इस प्रकार के तमाम अवरोधकों को रौंदता हुआ मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, अपना संकल्प व्यक्त किया। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के ट्वीट ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी। दिखाते हैं आपको क्या कुछ ट्वीट किया अनिल विज ने। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम ने दिल्ली चुनाव में बीजेपी को समर्थन का ऐलान किया। इसके साथ ही डेरा समर्थक दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों का समर्थन देंगे। आपको बता दें बाबा राम रहीम ने बीजेपी को दिल्ली के सभी 70 विधानसभा सीटों पर समर्थन दिया है। आपको बता दें डेरा प्रमुख ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी को समर्थन दिया था। माना जा रहा है कि दिल्ली में डेरे के 22 लाख समर्थक हैं जो बीजेपी का प्रचार करेंगे। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम ने दिल्ली चुनाव में बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया है। डेरा समर्थक दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। डेरे ने बीजेपी को दिल्ली के सभी 70 विधानसभा सीटों पर समर्थन दिया है। आपको बता दें डेरा प्रमुख ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी को समर्थन दिया था। माना जा रहा है कि दिल्ली में डेरे के 22 लाख समर्थक हैं जो बीजेपी का प्रचार करेंगे। सिरसा में डेरा प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। आपको बता दें राम रहीम को अपने अनुयायियों को नपुंसक बनाने के मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया। कोर्ट में डेरा प्रमुख को 5 मई तक नोटिस का जवाब दायर करना होगा। इससे पहले राम रहीम के गुरु गोविंद सिंह का चोला धारण करने पर सिख संस्थाओं ने जमकर विरोध किया था। ये मामला 4-5 साल पुराना है। लापतपुरा डेरा है जहाँ राम रहीम ने प्रोग्राम किया था, जिसमें उसने अपने बच्चों को जामे इंसान बनाया और जामे इंसान की उसने जो अनेक्समेंट की थी वो ऐसे कई पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में पंजाब और हरियाणा में हुक्का बार में परोसे जाने वाली निकोटीन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई में हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन के सलाहकार होम सेक्रेटरी और एसएसपी चंडीगढ़ को नोटिस जारी कर कोर्ट में पेश होने के आदेश जारी किए। मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। हिसार में पूर्व वित्त मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह ने बीजेपी के 102 दिन के कार्यकाल पर निशाना साधा। कहा कि बीजेपी ने अपने 102 दिनों के कार्यकाल में ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कहा जा सके कि सरकार ने सराहनीय काम किया। उन्होंने कहा कि जितनी भी घोषणाएं थी वो बस चुनावी घोषणा थी, अब सभी घोषणा अलमारी में बंद है। वहीं पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, वो और उनके एमपी एमएलए इतना सम्मान करते हैं किसी से छुपा नहीं। वायदे तो सैकड़ों किए गए, लेकिन सरकार बनने के बाद ऐसा लगता है कि अपने घोषणा पत्र को उन्होंने एक लॉकर में बंद करके रख दिया और बंद करने के बाद जैसे चाबी गुम हो गई या भूल गए। और मोदी जी को यहाँ बुलाया गया पानीपत के अंदर, लेकिन मोदी जी देखे क्या गए?
सिवाय हरियाणा के अपमान करने और कुछ नहीं दे गए कि मैं हरियाणा वालों से भीख मांगता हूँ। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर से खुलकर सियासी पारी खेलने की तैयारी में। लगातार 10 साल तक सत्ता में रहे हुड्डा वर्तमान सरकार के 100 दिन के कार्यकाल तक चुप ही बैठे थे, पर अब हुड्डा पूरी तैयारी के साथ बीजेपी पर हमला करेंगे। जींद के जिला मुख्यालय से शुरू की गई ऑनलाइन भू रजिस्ट्री की सेवा अब जिले के सभी तहसीलों और उप तहसीलों में भी शुरू कर दी गई। ऑनलाइन सेवा शुरू किए जाने पर डीसी अजीत बालाजी ने कहा कि तहसील स्तर पर सेवा शुरू होने से लोगों को न सिर्फ समय बचेगा, साथ ही उन्हें जिला मुख्यालय के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। जिले में अब तक 742 लोग ऑनलाइन भू रजिस्ट्री करा चुके हैं। आपको बता दें, पिछले साल 25 दिसंबर को सीएम खट्टर द्वारा प्रदेश के 8 जिलों में इस सेवा की शुरुआत एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की गई थी। प्रदेश में लोगों को पारदर्शी प्रशासन देने पर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के इरादे से शुरू की गई ई रजिस्ट्रेशन प्रणाली लोगों के लिए परेशानी का सबब बनने लगी। अपने टीवी स्क्रीन पर आप इहोवा और घरौंडा की तस्वीरें देख सकते हैं। एक तरफ जहां घरौंडा में ई रजिस्ट्रेशन से जुड़ी जानकारी न होने के कारण पहले ही दिन से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, तो वहीं पिहोवा में ई रजिस्ट्रेशन कराने आने लोगों को घंटों लाइन में लगना पड़ा। दिल्ली हरियाणा के साथ साथ देश भर के ज्यादातर राज्य स्वाइन फ्लू की चपेट में। इस वायरस से अब तक 191 लोगों की मौत हो चुकी। वहीं वायरस से पीड़ित 2000 से ज्यादा मरीज अस्पताल में भर्ती। पंचकुला में हरियाणा कंप्यूटर टीचर वेलफेयर एसोसिएशन का धरना 20वें दिन भी जारी है। आज हजारों की संख्या में कंप्यूटर टीचर्स ने पंचकुला सेक्टर 5 में स्थित शिक्षा सदन के बाहर 3 निजी कंपनियों के पुतले फूंके। आपको बता दें, कंप्यूटर टीचर एक साल से वेतन नहीं मिलने, पंचकुला शिक्षा विभाग के अधीन करने जैसी अपनी 10 मांगों को लेकर पिछले 20 दिनों से धरने पर हैं। कंपनियों के पुतले जलाए हैं, जो श्री राम न्यू होरिजन, ट्रांसलाइन, भूपेंद्रा सोसाइटी नाम की 3 कंपनियां हैं, उनके भ्रष्टाचार की जो चरम सीमा है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, पार हो चुकी है। हम लोग इतना सहन नहीं कर सकते, तो उनके जो पुतले जला के हम लोगों ने रोष प्रकट किया है शिक्षा विभाग के सामने, और नारा प्रदर्शन भी किया है। और हम लोग ये चेतावनी इनको देना चाहते हैं कि आज का युवा जो है वो मतलब भ्रष्टाचार हम लोग ना सहन कर पाए हैं, ना हम लोग सहन कर पाए। पलवल में सरकार ने अस्पताल तो बनवा दिया, लेकिन यहाँ की व्यवस्था आज भी राम भरोसी ही। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ 100 बेड के मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया, लेकिन आज भी यहाँ केवल 30 बेड की ही सुविधा उपलब्ध है और डॉक्टर्स के कई पद खाली पड़े हैं। प्रदेश में लगातार दहेज के मामले सामने आते जा रहे हैं। महिलाओं को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, और अब नया मामला सामने आया है यमुनानगर से, जहां विवाहिता के ससुराल वालों ने इंसानियत को शर्मसार करते हुए दहेज के लिए जंजीर से उसे बांध दिया। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरकार जिप्सम वर्तदान 4 सीजन हो गए है, झोने च भी पाई सी, उस मैं कणक च पाई है, कणक का झाड़ भी 23-22 क्विंटल का निकलिया है। मैं ये सारे किसान भरावां नूं कहना कि सरताज जिप्सम जरूर पाओ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। सिरसा में अब खत्म हुआ।